चैनल टेक जिनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पैनासोनिक के लॉन्च हो चुके दो नए स्मार्टफोन्स के बारे में। तो यस फ्रेंड्स, पैनासोनिक ने अगेन ल्यूगा रेंज में दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। बल्कि ये स्मार्टफोन्स कोई भी लो बजट स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पे लॉन्च किया है। एंड वो जल्दी ही नेक्स्ट वीक से इंडिया में ऑफिशियली सेल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोनों स्मार्टफोन्स का नाम है पैनासोनिक ल्यूगा Z1 एंड पैनासोनिक ल्यूगा Z1 प्रो। बेसिकली दोनों स्मार्टफोन्स के अगर नाम को ही देखो, इट इज़ क्लियरली अंडरस्टैंडेबल कि दोनों स्मार्टफोन सेम ही होने वाले हैं। हालांकि जो प्रो वेरिएंट है उसमें माइनर चेंजेस होगा। एंड यस फ्रेंड्स, दोनों स्मार्टफोन्स बिल्कुल ही सेम है, बट जो प्रो वेरिएंट है उसमें रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को लेके ही डिफरेंस है, अदरवाइज दे आर आइडेंटिकल। एंड दोनों स्मार्टफोन्स की हाईलाइट ये है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स में 4000 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में ड्यूअल कैमरा भी दिया गया है जो कि रियर पैनल में प्लेस्ड है। एंड यस, ये स्मार्टफोन के फ्रंट डिस्प्ले में नॉच भी दिया है। तो चलिए आगे तो डेफिनेटली इसके प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे, बट अब डिटेल में स्मार्टफोन की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोज। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं स्मार्टफोन के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बट पहले अगर ये स्मार्टफोन के हम ओवरऑल लुक देखते हैं तो यस, दिखने में तो ये स्मार्टफोन स्टाइलिश लगता है। बट अब हम इसके स्क्रीन साइज के बारे में बात करेंगे तो स्मार्टफोन में एक बड़ा स्क्रीन भी दिया है जो कि है 6.19 inches का। साथ में उसमें एस्पेक्ट रेशो दिया गया है 19:9 का बिकॉज स्मार्टफोन के फ्रंट डिस्प्ले में नॉच है। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में स्क्रीन रेजोल्यूशन है 720 pixels into 1500 pixels का। एंड साथ में स्मार्टफोन में स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए असाही का ड्रैगन ट्रेल ग्लास दिया है। तो ये तो बात थी स्मार्टफोन के स्क्रीन एंड डिस्प्ले को लेके। बट अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो ये स्मार्टफोन्स में ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिए गए हैं एंड इसमें है मीडियाटेक हीलियो P22 का चिपसेट। एंड रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के मामले में बात करेंगे तो यस, जो पैनासोनिक ल्यूगा Z1 है उसमें 3GB रैम दिया है, 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज है, जबकि जो पैनासोनिक ल्यूगा Z1 प्रो है उसमें 4GB रैम दिया है एंड 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज है। एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स में आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड से मेमोरी को एटलीस्ट 128GB तक एक्सपेंड कर सकोगे। एंड अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ये स्मार्टफोन के OS के बारे में। तो ये ऐसे दोनों स्मार्टफोन विल रन ऑन एंड्रॉइड ओरियो 8.1 एंड साथ में उसका एक कस्टम स्किन लेयर भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ये स्मार्टफोन के कैमरा के मामले में। तो एज ए सेट कि दोनों स्मार्टफोन्स में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया है, तो उसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो है 13 megapixel का एंड सेकेंडरी कैमरा है वो है केवल 2 megapixel का, ऑफकोर्स फॉर डेप्थ सेंसरिंग एंड इसमें LED फ्लैश भी है। एंड ऑफकोर्स सिंस ये स्मार्टफोन में सेकेंडरी कैमरा भी दिया है तो इट इज़ हाईली अंडरस्टैंडेबल कि स्मार्टफोन में आपको रियल टाइम बुके इफेक्ट दे सकते हो। एंड अगर ये स्मार्टफोन के हम फ्रंट कैमरा के बारे में बात करते हैं तो पैनासोनिक ल्यूगा Z1 एंड पैनासोनिक ल्यूगा Z1 प्रो ये दोनों स्मार्टफोन्स का सेल्फी कैमरा है 8 megapixel का। एंड साथ में ये दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में फ्लैश फंक्शनैलिटी भी दी है, साथ में AI बेस्ड फीचर्स भी दिए हैं, इसमें स्लो मोशन फीचर भी दिया गया है एंड इसमें और भी कई फीचर्स है जैसे कि ब्यूटी मोड है, टाइम लैप्स है, लाइव फोटो है एंड ग्रुप सेल्फी एंड साथ में आप डिजिटल एवेटार्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो कैमरा वाइज ये दोनों स्मार्टफोन्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं बट इतना भी कुछ ग्रेट नहीं है। बट अब ये स्मार्टफोन के हम बैटरी के बारे में बात करेंगे तो ये SSD इन द बिगनिंग के दोनों स्मार्टफोन्स में मैसिव 4000 mAh की बैटरी दी गई है। ये दोनों स्मार्टफोन्स डुअल सिम भी सपोर्ट करेंगे बट ये सिम कार्ड के लिए हाइब्रिड स्लॉट दिया है, यानी कि बेसिकली या तो ये दोनों स्मार्टफोन्स में आप दो सिम यूज़ कर सकते हो या तो एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। एंड अगर हम कलर वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन्स 3 color वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेंगे जो कि है ब्लैक, गोल्ड एंड ब्लू। तो फ्रेंड्स, अब कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों स्मार्टफोन्स विल सपोर्ट 4G वॉइस ओवर LTE, इसके साथ साथ इसमें वाईफाई रहेगा, ब्लूटूथ है, GPS है, AGPS है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया है एंड साथ में स्मार्टफोन में माइक्रो USB पोर्ट ही दिया है। एंड सेंसर्स के बारे में बात करेंगे तो नीडलेस टू से कि ये दोनों स्मार्टफोन्स के रियर पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, साथ में इसमें एक्सेलेरोमीटर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर दिया है एंड मैग्नेटोमीटर जैसे सेंसर्स भी इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स, ये थे ओवरऑल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस पैनासोनिक ल्यूगा Z1 एंड पैनासोनिक ल्यूगा Z1 प्रो के बारे में। अगर हम प्राइसिंग को लेके बात करें तो एज ए सेड इन द बिगनिंग के स्मार्टफोन को एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पे लॉन्च किया है। तो यस फ्रेंड्स, जो उसका बेस वेरिएंट है जो कि है पैनासोनिक ल्यूगा Z1 जिसमें 3GB रैम दिया है, उसका प्राइस सेट किया गया 14,490 विच इज़ ऑलमोस्ट 14,500। एंड जो उसका हायर वेरियंट है जो कि है 4GB रैम वाला पैनासोनिक ल्यूगा Z1 प्रो, उसका प्राइस सेट किया
किया गया 17,490 विच अलमोस्ट 17,500। एंड अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों स्मार्टफोन्स ऑफिशियली 31 अक्टूबर यानी कि कमिंग वीक वेनसडे से सारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल रहेंगे। एंड अब बात आती है कहाँ ये स्मार्टफोन्स खरीदना चाहिए कि नहीं, पर्सनल ओपिनियन नो, बिकॉज इतना स्मार्टफोन को अगर आप 15-18,000 के आसपास प्राइस सेट करते हो, उसमें जो प्रोसेसर दिया गया है ये स्मार्टफोन का कोर जो कि है मीडिया टेक किलो P22, वो कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं करता है, बिकॉज ये जो प्रोसेसर है वो लो रेंज स्मार्टफोन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ये प्रोसेसर ही डालना था एंड प्राइस को थोड़ा कम कर लेते, बिकॉज ये कहीं ना कहीं प्रोसेसर एंड प्राइस जस्टिफाई नहीं करता। कैमरा एंड डिस्प्ले तो फ्रेंड्स फिर भी ठीक है, अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट कि ये प्राइस रेंज में आप ये स्मार्टफोन खरीदो। तो ये थी बात ओवरऑल फ्रेंड्स ये दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में। एंड अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Actually, thank you for watching.